हाँ भी चमचूती है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, एग्जाम आ रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। और वैसे और जिस सीनियर को ढूंढा कॉलेज की हर गली गली, वो दूसरे सीनियर की छत पर आकर मिली। एक काम करता हूँ, आज इसे अपने फ्लैट पे ही ले जाता हूँ। एक्चुअली आई हैव टू टेक अ बाथ, बट मेरे पास कपड़े नहीं है। इतनी रात को क्या कर रहा है तू? फोन क्यों छुपा रहा है? क्या है इसमें? नहीं नहीं, मैं बहुत खुले विचारों वाली लड़की हूँ। आई एम अ ओपन माइंडेड गर्ल, यहीं पे सो जाते हैं। अबे ये साइन कोस स्टेटस के बैंड का अल्फाबेट है, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, अपने उस सीनियर को कॉल कर लेता हूँ, उसने मुझे कहा ही था कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझे कॉल कर लेना। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो आप? अरे बढ़िया भाई, तू बता, आज इतने दिन बाद कैसे याद किया मुझे? भाई एक्चुअली आपसे ना एक हेल्प चाहिए थी, वो आपको तो पता है एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं। और भाई मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये साइन कॉस थीटा तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। प्लीज़ भाई आप मुझे एग्जाम्स में थोड़ा बहुत पढ़ा दोगे? अरे यार भाई इतनी छोटी सी बात, कोई बात नहीं, तू मेरे घर आ जा, मैं तुझे वहीं पे पढ़ा दूंगा। ठीक है? ठीक ठीक है भाई, मैं अभी आ रहा हूँ बस। हाँ भाई आ गया, थैंक यू भाई, थैंक यू। अपना तो हो गया काम। यही है भाई ने जो लोकेशन भेजी थी, लगता भाई ने रूम यहीं पर लिया हुआ है। अरे तो लॉक पड़ा है, एक मिनट भाई को कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो भैया, एक्चुअली मैं आपके घर पर खड़ा था और वो लॉक पड़ा है। अरे यार सॉरी यार भाई, एक्चुअली ना मुझे कुछ जरूरी काम पड़ गया था यार, मैं तुझे कॉल करने ही भूल गया। मैं ना थोड़ा बाहर आया हूँ, पर अब तो आया भी इतनी दूर से, तो यार वापिस तो ऐसा करना, वो दरवाजे के पास मैट के नीचे ना घर की चाबी पड़ी होगी, तो तू यहीं स्टे कर ले, क्योंकि यार मुझे तो ना आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, सुबह भी हो सकती है शायद, तो तू आज यहीं स्टे कर लेना, मैं तुझे कल आकर सब पढ़ा दूंगा। ठीक है? नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे, एक्चुअली मैं अपने कपड़े भी नहीं लेकर आया, और ऐसे कैसे मैं आपके घर में रुक सकता हूँ भैया? अरे यार भाई कैसी बातें कर रहा है, ये भी तो तेरे ही घर है। अंदर कपड़ों में 3-4 कपड़े पड़े होंगे, उसमें से कुछ भी पहन लियो। और भाई परफ्यूम लगा लियो, वो ना मैंने धोए नहीं है 3-4 दिन से, साले कच्चा मत पहनियो, एक ही है मेरे पास। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। चल यार चाबी कहाँ, चाबी 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 तो रूम कह रहे थे ना, तो पूरा घर ही रेंट पर लिया हुआ है। चल अपने तो मजे, आज पूरा घर अपने पास है। तो चूतिये को कॉल करता हूँ, क्या कर रहा है? हाँ भी चमचूतिये, क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, एग्जाम आ रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ओ यार मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपना सीनियर नहीं आ जाते ना। हाँ मैं तो खुद उसके पास यार पढ़ने आया हूँ, और वैसे भी लड़कियों में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है? भाई इन लड़कियों में सिर्फ एक ही तो चीज़ होती है। क्या मतलब है? अरे मतलब इनकी सिल्की सिल्की बाल, मिल्की मिल्की गाल, और क्या चाहिए भाई। भाई अब तो बस भगवान से एक ही दुआ, ये पट जाए बस। भाई ये ना अपनी सीनियर है, इसे कोई प्लानिंग मत करो फ्यूचर की, आ जा क्लास लगाने चलते। चल हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई मैं ना तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है? चल ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके बाय बाय बाय। और जिस सीनियर को ढूंढा कॉलेज की हर गली गली, वो दूसरे सीनियर की छत पर आकर मिली। अरे भगवान तेरे भी रंग निराले हैं यार। सच कहा है किसी ने, अगर किसी को भी शिद्दत से चाहो ना, वो तुम्हें ज़रूर मिलता है। एक काम करता हूँ, इसे नीचे आकर बात ही कर लेता हूँ, घर पर वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। चल जान पहचान बढ़ाने में तो मैं खुद ही शेर हूँ, चल यार नीचे चलता हूँ। ओ यार फोन की बैटरी भी अभी लो होनी थी। अब मेरे ऐसे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो?
अब स्नेहा हो ना 2018 बैच लॉ यूनिवर्सिटी। हाँ लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, हम पहले मिल चुके हैं। अरे हम तो जी रोज मिला करते थे कॉलेज में। क्या कहा आपने? अरे लगता आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हर्ष 2019 बैच, आप ही का तो जूनियर था मैं कॉलेज में। ओके, एक साल पहले है ना, आपने फिर भी मुझे पहचान लिया। आप तो जी हमारे दिल में बसते हो, आपको कैसे ना पहचाने। कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा था एक बस आप ही तो थे जो हम एग्जाम हॉल में चीटिंग करवाते थे, वरना और कौन हमें चीटिंग करवाता था। ओके, मतलब आपका अब लास्ट ईयर चल रहा होगा है ना? राइट राइट राइट। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? ऑल गुड, बस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था तो बालकनी से बस आपको आते हुए देखा। बाय द वे आप यहाँ पर कैसे, मेरा मतलब यहाँ पर आप किसी की वेट कर रहे हो? नहीं यार, मेरा ना यहाँ पे फ्रेंड रहता था और मुझसे उसका एड्रेस भी गुम हो गया और इस एरिया में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। ओके, तो कॉल कर लो ना उन्हें। नहीं यार, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है, वरना मैं कॉल कर ही लेती उसको। एक काम करता हूँ, आज इसे अपने फ्लैट पे ही ले जाता हूँ, वैसे भी भाई तो कल ही आने वाला है, सुबह तक तो ये चली ही जाएगी। थैंक यू भगवान। आप ऐसा करो ना, यहीं पास में मेरा फ्लैट है, आज रात आप वहीं पर स्टे कर लो। नहीं यार, आपके रूममेट्स को मुश्किल होगा। आई विल मैनेज, आई विल मैनेज। यार इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है, वैसे ही मैं अकेला ही रहता हूँ और यार वैसे भी थोड़ी देर में रात होने वाली है, आप कैसे मैनेज करोगे? आर यू श्योर ना? यार आई एम डैम श्योर, अब चलें। ओके श्योर। हैव अ सीट। हां श्योर। यार शायद ये मेरे साथ यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है, एक काम करता हूँ इसका भी मूड सही कर देता हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ श्योर। मतलब आपके बॉयफ्रेंड को तो नहीं इशू आप आज यहाँ पर रुकने वाले हो? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया, मैं सिंगल। ओके, एक्चुअली मैंने तो इसलिए पूछा, आप थोड़े से कम्फी नहीं लग रहे। नहीं नहीं, मैं कम्फर्टेबल हूँ, वो थोड़ी नई जगह है ना इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, जस्ट चिल। अच्छा मैं ना कॉल कर कर आता हूँ, ठीक है? हाँ श्योर श्योर श्योर। Excuse me? हाँ जी। Actually, I have to take a bath, but मेरे पास कपड़े नहीं है। शर्ट तो मैं यहीं पहन लूंगी, क्या आप मुझे कोई शॉर्ट्स ला के दे सकते हैं? अब वेट करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके शॉर्ट्स। ये लो शॉर्ट्स। ओ थैंक यू। By the way, वॉशरूम कहाँ पे है? सीधा जाके लेफ्ट। थैंक यू। अरे भगवान, तेरे भी रंग निराले हैं। ओ इसका क्यों फोन हो गया? हाँ भाई घर पर ही हूँ। अच्छा सुन, आज ना पानी नहीं आने वाला, तो यार टंकी के पानी से एडजस्ट कर लियो। ओके ओके भाई, ओके ओके। स्नेहा एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया था, वो ना आज टंकी में पानी नहीं आने वाला, तो आप प्लीज लिमिट में पानी यूज कर लोगे? एक्चुअली मुझे ना खुले पानी में नहाने की आदत है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, इतने सारा टट्टी तो उन्होंने पानी नहीं आने, खुले पानी की नहाना है। अब इसको खाने में क्या खिलाऊं, समझ में आ रहा क्या बनाऊं, यहाँ पर तो कुछ पता नहीं है क्या मिलेगा। क्या कर रहे हो ये? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अपने दोनों के लिए खाना बना रहा था यार। अच्छा तू खाना बना रहा है, मैं बना देती हूँ खाना, तू जा बाहर। नहीं नहीं, आप आराम से बाहर बैठो, मैं बना लूंगा यार। अरे मैंने बोला ना मैं बना दूंगी, जाओ ना, मैं बना लूंगी ना खाना, जाओ आप जाओ। आर यू श्योर आप बना लोगे? हाँ हाँ आई एम श्योर, जाओ आप जाओ, मैं देखती हूँ क्या है। ये लो बन गया खाना। वाओ, इट्स लुक गुड। मैंने बनाया है, अच्छा ही होगा। कैसा बना है? Amazing यार, मैंने ऐसी दाल आज तक नहीं खाई। हाँ हाँ बोल दे मस्का लगाने के लिए। सीरियस लो, खुद ट्राई करो आप, फिर आपको पता लगेगा। अरे इतनी रात को क्या कर रहा है तू? नहीं नहीं बस ऐसे ही खड़ा था। अरे ये फोन क्यों छुपा रहा है, क्या है इसमें? ओए ये तो मेरी इतनी पुरानी फोटोज हैं, तेरे को कहाँ से मिली? एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोल बोल। गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं नहीं बोल,
यार एक्चुअली जब से आपको कॉलेज में पहले दिन देखा था ना, आई डोंट नो, एक अलग सी अट्रैक्शन हुई यार दिल में, अलग सी घंटी बजी, पता नहीं अब ये अट्रैक्शन थी आपसे प्यार हुआ, बट हाँ जब मेरा फर्स्ट ईयर था ना कॉलेज में तब से आप मेरे क्रश हो, और आई डोंट नो आज एक साल बाद आपको जब दोबारा देखा तो वही घंटी दोबारा बजी। मतलब तुझे प्यार हो गया? वो तो पिछले 4 सालों से है ही। चल ये सारी बातें छोड़, नीचे चलते, सोना है, बहुत रात हो गई है। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं कम कम। एक्चुअली मैं आपको ये कहने आया था, मैं ना बाहर सोफे पे ही सो रहा हूँ, तो अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? अरे आप बाहर क्यों सोओगे, यहीं पे आ जाओ अंदर। आप आराम से यहाँ पर सो, मैं वहाँ सो जाऊंगा। नहीं नहीं मैं बहुत खुले विचारों वाली लड़की हूँ, आई एम ओपन माइंडेड गर्ल, यहीं पे सो जाते हैं। आर यू श्योर आप कंफर्टेबल? हाँ हाँ श्योर श्योर, आ जाओ आप अपना पिलो ले आओ, यहीं पे सो जाते हैं। इसे कहते हैं अ नाइट विद कॉलेज सीनियर। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते भाई, गर्लफ्रेंड है वो मेरी, बनाने वाली थी ना। ये क्या बना रखा है घर को, फोटो बना रखा भाई, क्या चल रहा है? ये तुम्हारा घर है भाई, तूने तो बोला था कि ये तेरा घर है। इसका घर, इसको ना कुछ बचपन में घर घर नहीं खिलाता था, इसका घर कहाँ से हो गया ये? हाँ ये इनका ही घर है। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ तो तू कौन सा सती सावित्री निकली, तूने भी तो मुझसे झूठ बोला। ये कहती मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये क्या यमराज सी शक्ल का? भाई तूने ना ये सही नहीं किया यार, तूने मेरी बैंक में खाता खोल लिया यार। बीबी ये आपका फोन कैब में रह गया था। तू तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुम भी एक दूसरे को जानते हो क्या? बंदी है भाई ये मेरी। वाह क्या सीन है। हेलो हेलो। हाँ जी बेबी कैसे हो? मैं बढ़िया। अरे यार एक बात बताओ, आज मिलें क्या? अच्छा आज मिलना है? क्यों मिल नहीं सकते? हाँ हाँ जरूर। तो ठीक है मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। नहीं 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 घर पे नहीं मिल सकते, आज ना ऐसा करते हैं यो यो बुक करते हैं। अरे वायरल होने का मजा ही कुछ हो रहा है बेबी। हाँ सर सिमरन को तो कॉल कर दूँगी, आज उसे मिल नहीं पाऊंगा। हेलो। हाँ हेलो बेबी, एक्चुअली जो हमारा आज प्लान था ना मिलने का, हम ना आज मिल नहीं पाएंगे, मैं अपने सीनियर के पास पढ़ने जा रहा हूँ, तो हम कल मिलते हैं शाम को, ठीक है? हाँ बेबी मैं भी ना आपको फोन करने वाली थी, क्योंकि मैंने भी ना आज मासी के घर पे जाना है। मतलब तूने मुझसे एक और झूठ बोला, तेरी गर्लफ्रेंड भी है? तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले तुझे देखती हूँ।